GPA is 1.9. Let's make a plan for bank. ठीक है, switch decision making. ठीक है, decision making using switch. ठीक है, इसकी तो इस चीज को हम मैन्युअली जो है वो पर मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे ठीक है मार्क्स 43 जो हमारी लॉजिक लगी हुई थी कि 10 मार्क्स का बोनस देना, तो वो यहाँ पर वो शो करवा. सो जितना भी फिलहाल कर लिया ऑलमोस्ट आई थिंक इसकी आपको समझ आ गई होगी. बात हम करते हैं लूप पर. लूप्स एक्चुअली हैं क्या? लूप्स सादा जुबान में जो ना वो इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं कहूँगा कि रेपिटेशन. ठीक है, रेपिटेशन एक चीज़ की बार बार रेपिटेशन. इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ. मुझे क्या करना है कि मुझे फॉर एग्जांपल 1 से लेकर 5 तक जो नंबरिंग करनी है. ठीक है, ये जो है वो 5 वेरिएबल्स जो मैंने डिक्लेयर कराए हैं. ठीक है, तो नहीं सॉरी 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 आई एम रियली सॉरी, मैं इसको अरेज की साइड पे ले गया. ठीक है, मैं अरेज का समझ अरेज के एग्जांपल समझाने लगे. ये समझाना था कि अगर मुझे ये नंबर जो है वो एक नंबर है. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 10 है. ठीक है, उसे मुझे 5 टाइम्स जो है ना वो मुझे डिस्प्ले कराना है. ठीक है, और इसे मैं क्या करता हूँ करूँगा 5 टाइम पेस्ट. लेकिन क्या ये एक्सेप्टेबल अप्रोच है कि मैं इसको अगर मुझे 5 टाइम्स जो है डिस्प्ले करना तो मैंने लिख दिया, और अगर मुझे जो है वो फॉर एग्जांपल इसको जो है वो 10 टाइम्स करना होगा तो मैं क्या करूँगा इसको यहाँ पर 10 टाइम्स लिखूँगा. ठीक है, तो आई डोंट थिंक सो कि इस तरह की कोई अप्रोच जो है वो कोई यूज़ करना चाहेगा. वो इस तरह की अप्रोच यूज़ करते हैं, लूप करते हैं यूज़. लूप क्या कहता है कि ये जो एक वैल्यू है इसको मुझे क्या करना है, रिपीट करना है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू सारी रिपीट हो रही है, तो मैं क्यों ना करूँ कि एक ही वैल्यू को पकड़ूँ और रिपीट करता जाऊँ 10 टाइम्स रिपीट करता जाऊँ, तो यही जो 10 की 10 वैल्यूज हैं वो प्रिंट हो जाए. अगर जो लूप्स की 3 बेसिक टाइप हैं, बेसिक टाइप्स हैं. ठीक है, आती है वाइल लूप, और इसकी थोड़ी सी वेरिएशन है. मैं ये समझता हूँ ये 2 ही टाइप की लूप है. ठीक है, ये वाइल लूप से ही थोड़ा सा. तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फॉर लूप को. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यही एग्जांपल को लेता हूँ, मैंने टीचर इस नंबर को मैंने 5 टाइम्स प्रिंट करवाना है. ठीक है, सिंटैक्स कैसे वर्क पहले लिखते हैं हम फॉर. ठीक है, सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर, उसके बाद हम इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम 3 पैरामीटर पास करते हैं. ठीक है, और तीनों पैरामीटर जो है वो आपस में जो ना वो डिफरेंशिएट होते हैं यूजिंग सेमी कॉमास. ठीक है, सबसे पहला जो पैरामीटर है वो है हमारा स्टार्ट रेंज. ठीक है, स्टार्ट. ठीक है, अगर इस नंबर को अगर कोई 5 टाइम्स मैंने नंबर प्रिंट करवाना है. ठीक है, तो मैं क्या कहता हूँ कि अगर मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ तो मुझे जाना पड़ेगा 6 तक. ठीक है, और अगर मैं 2 से स्टार्ट करता हूँ तो मुझे जाना पड़ेगा 7 तक. ठीक है, मुझे 5 5
इंस्ट्रक्शन चाहिए, तो मुझे जो स्टार्ट वेरिएबल है वो पहले बताना होगा कि कहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मैंने ज़ीरो से स्टार्ट करना है, ठीक है, ज़ीरो से स्टार्ट करना है, ठीक है। अभी ये जस्ट सिंटैक्स है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टार्ट, ठीक है, जहाँ से मुझे स्टार्ट करना है, ठीक है। उसके बाद मुझे कहाँ तक लेकर जाना है इस स्टार्ट को। अब ये फाइव टाइम्स मुझे प्रिंट करवाना था, तो अगर मैं वन से स्टार्ट करता हूँ तो मुझे कहाँ तक इसको जाना वो लेके जाना है कि वो फाइव टाइम्स एक्चुअली फाइव आइटरेशन कम्प्लीट हो जाए। तो वन प्लस फाइव एक्चुअली सिक्स, मुझे सिक्स तक जाना पड़ेगा। तो इसकी जो एंड एंडिंग जो लिमिट है, जो इसकी रेंज है, वो क्या बनेगी, सिक्स बनेगी। तो मुझे यहाँ पर जो रेंज इसकी बतानी पड़ेगी, जो इसका एंड बताना पड़ेगा, वो बताना पड़ेगा सिक्स, ठीक है। तो जो एंड होगा वो मैं बताता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद जो थर्ड आर्गूमेंट होता है वो एक्चुअली होता है स्टेप, ठीक है। अब स्टेप के अंदर क्या होता है कि ये जो भाईजान है, ये जो वन है, ठीक है, इन्होंने सिक्स तक पहुँचना था, ठीक है। तो ये किस तरह पहुँचेंगे, अगर वन से लेकर वो जो ना वो वन से लेकर सिक्स तक जाना है, तो किस तरह वो अपनी आइट्रेशन को फाइव टाइम्स कंप्लीट करेगा। तो वो क्या करेगा, वन प्लस वन, ठीक है, फिर एक का स्टेप किया, फिर उसने वन किया, फिर वन का स्टेप किया, फिर वन का स्टेप किया, फिर वन का स्टेप किया, तो ये टोटल कितनी आइट्रेशन होगी, फाइव। तो वो कितने का स्टेप ले रहा है, वन का स्टेप ले रहा है, ठीक है, वन का स्टेप ले रहा है। मतलब मैं अगर मुझे पाँच ब्लॉक जो ना वो जंप करने हैं, ठीक है, मैं सॉरी पाँच ब्लॉक को अगर मुझे फासला तय करना है, तो मुझे फाइव टाइम्स जो ना वो मुझे लो है कि मैं फाइव कदम जो ना वो रख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, पहले एक कदम रखूँगा, फिर एक कदम रखूँगा, फिर एक कदम रखूँगा, कि मुझे एक एक कदम रखते रखते मुझे पांच दफ़ा वो जो है वो पांच ब्लॉक जो है वो कवर करने। तो सेम कंसेप्ट है कि वो मुझे सिक्स हाइड्रेड फाइव टाइम्स चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, एक एक का स्टेप यूज़ करूँगा, वन वन का स्टेप लेते हुए मुझे फाइव हाइड्रेशन मेरी कम्प्लीट हो जाएंगे, और वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन इक्वल टू फाइव, और वन प्लस फाइव इक्वल टू सिक्स, ठीक है। तो मुझे एंडिंग रेंज क्या होगी, सिक्स। तो मुझे यहाँ पर जो स्टेप लेना पड़ रहा है वो लेना पड़ रहा है वन का, तो यहाँ पर आएगा स्टेप, ठीक है। इसके बाद हम डालते हैं इसकी बॉडी, ठीक है, इसकी बॉडी को हम जो ना वो लेते हैं विद इन द कर्ली ब्रैकेट। तो यहाँ पर एक्चुअली स्टेटमेंट आते हैं जो भी हम लोग के अंदर लिखते हैं। तो चलिए इसी चीज़ को मैं कॉपी करता हूँ, अब यहाँ पर मुझे कंसेप्ट क्लियर हो गया कि यहाँ पर स्टार्ट आएगा, यहाँ पर एंड आएगा, यहाँ पर स्टेप आएगा। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और अपना टाइम बताने के लिए मैं यहाँ चेंज करता हूँ। और अब स्टार्ट एंड और स्टेप मैं यहाँ पर बताऊँगा। तो मेरा जो स्टार्ट है वो मैं कह लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, वो कहाँ से शुरू होगा, स्टार्ट होगा, और जो एंड है वो कहाँ तक जाएगा, लेस देन आर इक्वल टू सिक्स, सॉरी फाइव। अगर मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ तो जीरो से लेकर फाइव तक मेरी फाइव आइट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, सॉरी लेस देन फाइव, क्योंकि जीरो वन टू थ्री और फोर, ठीक है, ये टोटल फाइव आइट्रेशन हो जाएंगे। पर मुझे फाइव से लेस देन करनी है, ये फाइव से लेस देन मीन फोर, आप इसको लेस देन इक्वल टू फोर भी कर सकते हैं, इसको फाइव करूँगा, ठीक है। और ये स्टेप इस तरह जो ना वो कितना मुझे चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ स्टेप प्लस वन का स्टेप चाहिए, तो मैं इसको कर लेता हूँ प्लस प्लस, ठीक है। इसको हम जो ना वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास वैल्यू है सी इक्वल टू वन, तो मैं सी प्लस प्लस करूँगा, तो जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगी पूरी की पूरी स्टेटमेंट, इसकी वैल्यू क्या होगी, टू, ठीक है। प्लस प्लस जो है वो अल्टरनेट है, वो इक्वल टू है सी इज इक्वल टू सी प्लस वन, जस्ट सिंपल इज दैट, ठीक है। सी प्लस प्लस जो है वो सी, इस तरह अगर हम लिखें तो वो इक्वल है सी इज इक्वल टू सी प्लस वन, ठीक है। अब ये जो जीरो मैंने साइन किया, ये लेस देन फाइव किया, ये जो सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं वो डेफिनेटली कोई ना कोई डेटा टाइप्स होंगी, ठीक है। तो ये जो स्टार्ट है मैं इसको कह लेता हूँ ये इंटीजर टाइप का, ठीक है। और ये स्टार्ट जो है वो कहाँ तक होगा, और ये मुझे स्टार्ट जो लेस देन कौन सी रेंज है, फाइव, ठीक है। और स्टार्ट मुझे क्या किस तरह स्टेप करना चाहिए, स्टार्ट प्लस प्लस मतलब ए का स्टेप लेना है। तो ये हमारा फॉलो अप हुआ कम्प्लीट, इंटीजर स्टार्ट इक्वल टू जीरो, जीरो से स्टार्ट करे, और मेरा एंड कहाँ तक था, फाइव तक, और मैंने क्या कहा स्टार्ट जो है जब तक वो फाइव से लेस देन है, और इसके बाद क्या करें स्टार्ट को प्लस प्लस एक एक का इंक्रीमेंट करें, ठीक है। और इसके बाद मैं कहता हूँ सी आउट, एंड अगेन यूजिंग दैट नंबर नन, और नन के यहां पर प्लस कर लेता हूं, सी आउट नन एंड फाइन। सो लेट मी रन इट फर्स्ट, देन आई विल एक्सप्लेन। ओके सॉरी मुझे इसको कमेंट आउट करना भूल गया, चलें एंड हियर वी गो, ठीक है। उसने इसको ये हमारी जो ना फॉर लूप चली है, और इसने इसको प्रिंट करवाया फाइव टाइम्स, वन टू थ्री फोर और फाइव, ठीक है, फाइव टाइम्स इसने इसको प्रिंट करवाया, ठीक है। मैं इसको फिलहाल प्रिंट आउट कर देता हूँ, ठीक है।
यहाँ पर क्या हुआ है, पहले उसने क्या किया है, ठीक है, पहले इस चीज़ को समझ लीजिएगा, ठीक है। फॉर लूप को वाई लूप और डू वाई लूप एग्जैक्टली वही कॉपी है, ठीक है। क्या हुआ है, क्या है, स्टार्ट की वैल्यू थी 0, ठीक है। उसने चेक किया स्टार्ट की वैल्यू लेस देन 5 है, यस लेस देन 5 है, तो कंडीशन क्या होगी, ट्रू। उसने क्या किया, स्टार्ट प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। अभी जो स्टार्ट की वैल्यू है वो फिलहाल 0 ही है, वो नम को प्रिंट करवाएगा जो हमारी वैल्यू थी 10, ठीक है। इसके बाद जब ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी तो स्टार्ट की वैल्यू उस टाइम हो चुकी होगी 1, ठीक है। ये वापस गया यहाँ पे, उसने चेक किया स्टार्ट की वैल्यू 1 इज़ लेस देन 5, यस कंडीशन इज़ अगेन ट्रू, ठीक है। उसने क्या किया, टेन को दोबारा प्रिंट करवा दी, ठीक है। तो जब यहाँ पर आया तो उस टाइम उसकी वैल्यू स्टार्ट की हो चुकी थी 2, वो वापस किया 2 इज़ लेस देन 5, यस कंडीशन इज़ अगेन ट्रू, उसने 10 को प्रिंट करवा दी। फिर यहाँ ये लाइन एग्जीक्यूट हुई थी, स्टार्ट की वैल्यू होगी 3, वो वापस किया 3 इज़ लेस देन 5, यस कंडीशन इज़ ट्रू, लाइन के एग्जीक्यूट होने के बाद वैल्यू हो चुकी थी 4 स्टार्ट की, स्टार्ट इज़ लेस देन 5, 4 इज़ लेस देन 5, यस उसने इसको एग्जीक्यूट कराया, कंडीशन ट्रू हो चुकी थी। लेकिन इसके एग्जीक्यूट होने के बाद उसकी वैल्यू हो चुकी थी 5, ठीक है। अब वैल्यू है उसकी 5, ठीक है। तो ये दोबारा वापस गया, उसने चेक किया 5 इज़ लेस देन 5, नो कंडीशन इज़ 4, स्टार्ट को प्रिंट करवाऊँ, ठीक है। सी आउट स्टार्ट एंड देन, तो ये मुझे क्या करेगा, सो गुड। तो ये था कि हमने किस तरह फॉर लूप को यूज़ करते हैं, ठीक है। और फॉर लूप की अगर हम इसकी थोड़ी सी वेरिएशन है, ठीक है, इसके बाद हम यूज़ करते हैं व्हाइल लूप, ठीक है। वाई लूप के अंदर क्या है, ये चीज़ बिल्कुल सेम यही है, यही प्रोग्राम को मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ वाई लूप के थ्रू। लेकिन वाई लूप के अंदर क्या है कि कुछ चेंजेस हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको पहले लिख लेता हूँ कि इस तरह ये काम कैसे करता है। सबसे पहले हम लिखते हैं वाई, ठीक है। उसके बाद जो ये जो चीज़ थी, यहाँ पर हम स्टार्ट वेरिएबल था, वो हम यहाँ पर नहीं मैंशन करते इसकी कंडीशन के अंदर, ठीक है। उसको हम मैंशन करते हैं, लिख लेते हैं सबसे इस वाई लूप के स्टार्ट होने से पहले, ठीक है। इंटीजर स्टार्ट इक्वल टू 0, ओके। अब ये जो कंडीशन है स्टार्ट इज़ लेस देन 5, ये हम लिखते हैं इसकी कंडीशन के अंदर। इसकी कंडीशन आती है इस पैरेंथेसिस के अंदर, ठीक है। ये मैंने कंडीशन लिख दी और इसकी कंडीशन के बाद इसकी स्टार्ट हो जाती है बॉडी। इसकी बॉडी यहाँ पर स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो मैंने जो इसकी बॉडी, इसकी जो बॉडी यहाँ पर है वो बिल्कुल स्टार्ट हो गई इसकी कंडीशन के बाद, ठीक है। तो जो ये चीज़ थी, मैं इसको जस्ट कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। तो इसके बाद जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये जो स्टार्ट प्लस प्लस, ठीक है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज़ है, ठीक है। जस्ट उसका क्राइटेरिया, उसका डिज़ाइन डिफरेंट है, ठीक है। तो इसके अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले हमने वेरिएबल अपना डिक्लेयर करवा लिया, अपनी स्टार्ट रेंज। फिर उसे हमने मेंशन किया कि उसने उसकी कंडीशन क्या, उसने कहाँ तक चलना है, वो मेंशन किया। और उसके बाद हमने क्या किया कि उसको आउटपुट करवा दिया एंड हेयर उसको हम इंक्रीमेंट करवा रहे हैं, ठीक है। थीके? तो हेयर किस चीज़ का दे रहा है, वाइल स्टार्ट इज़ लेस देन, रन करता हूँ 0 1 2 3 4, ये फर्स्ट लूप के थ्रू फॉर लूप के थ्रू एंड 0 1 2 3 4 ये वाइल लूप के थ्रू, ठीक है। मैं इसको अगर बैक स्लैश, ठीक है, ये फॉर लूप के थ्रू था, ठीक है। 0 1 2 3 4 एंड ये दिस वन इज़ यूजिंग वाइल लूप, ठीक है। ओके सो फार सो गुड। इन एक्चुअली एक ही लेक्चर के अंदर इन जैसे कॉन्सेप्ट्स को समझाना क्वाइट बिट हार्डर, ठीक है। तो मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि इसको जो ना वो एटलीस्ट इतनी समझ आ जाए कि वो उसका पता चले वो किस तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। उसका वर्किंग सिनेरियो समझ आ जाए। अगर आपने इसके बारे में जो ना वो एक काफ़ी अच्छा अगर समझना है तो आई वुड रिकमेंड यू टू वॉच माई लेक्चर दैट आर स्पेसिफिकली मेड ऑन दिस टॉपिक्स, ठीक है। टॉपिक पर देखें, टाइम थोड़ा सा लगेगा लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट से वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड टाइप ऑफ लूप है वो है एक्चुअली व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप में एक्चुअली कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट इसकी एक जो ना वो खास रीज़न है
कि चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स, एट लीस्ट वन टाइम उसकी वजह इसका एक्चुअली सिंटैक्स है, इसका डिज़ाइन भी है, ठीक है, कि इसकी जो कंडीशन है वो एग्जीक्यूशन के बाद चलती है, ठीक है, फर्स्ट एग्जीक्यूट होती है, पहले चेक होती है, फिर बाद में स्टेटमेंट्स रन होती हैं। तो चलें इसको इसी सिनेरियो में इसको रन करते हैं, ठीक है। तो मैं कहता हूँ डू, इसका सिंटैक्स ये, सबसे पहले हम लिखते हैं डू, इसके बाद आती है इसकी बॉडी, ठीक है। लेता हूँ ये, ठीक है, और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, फिलहाल इसको किया, इसने क्या किया, ये वाली लाइन को जो है प्रिंट करवा देगा, ठीक है। सी आउट किया उसने, स्टार्ट स्टार्ट की वैल्यू किया थी 0, और उसके बाद उसने इसको इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। ये लाइन एग्जीक्यूट हो चुकी है, लेकिन अभी तक इसकी कंडीशन जो है वो रन नहीं हुई, तो वो कंडीशन हम क्या लगा पे लिखते हैं, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा इसकी कंडीशन वाइल स्टार्ट, और फाइल लिखने के बाद हम इसकी एग्जैक्टली वही कॉपी है, ठीक है। इसके अंदर एक माइनस सी प्रॉब्लम ये है कि हम काफ़ी दफ़ा इस सेमी कॉलन लगाना भूल जाते हैं, ठीक है, थीके? तो इसके अंदर ये सेमी कॉलन आता है, ठीक है। तो मैं इसको रन करता हूँ, हियर वी गो, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब वो बात जो मैंने बोली थी कि ये एटलीस्ट वन टाइम रन होती है जब कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स, तो उसको प्रूव करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ ये कंडीशन यहाँ पर आई, उसने इसको एग्जीक्यूट किया, सो फार सो गुड। अभी तक फिलहाल मैंने जो कोशिश किया है कि जितना मैक्सिमम हो सके मैं समझा सकूँ, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, इसके अभी कॉन्स्टेंट्स, हेडर फाइल्स, और इसके अलावा हमने इफ एल्स को देखा है, स्विच को देखा है, इसके अलावा हमने लूप्स को देखा है, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप, ठीक है। जो बेस्ट तरीका है, जो बेस्ट जो स्ट्रेटजी है प्रोग्रामिंग सीखने की, वो जस्ट एक ही है, वो है प्रैक्टिस। इसकी प्रैक्टिस करें, और मैं रिकमेंड करूँगा आप लेक्चर मेरे एक दफ़ा ज़रूर देखें, ठीक है। टाइम निकालें, ज़रा टाइम निकाल के एक दफ़ा देख लें, एंड लेटर ऑन आई गारंटी कि आप वाकई ही एक हाई इंटरमीडिएट लेवल पर होंगे उन लेक्चर्स को देखने के बाद, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि इंशाल्लाह मैं एक और वीडियो बना दूँ, ठीक है, और उसमें जो बाकिया कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी मैं डिस्कस कर सकूँ, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, ओके, अल्लाह।